जैसे कि मैं आपके लिए पहले भी एक समोसे की रेसिपी लेकर आई थी, वैसे ही डिफरेंट सा स्नैक्स लेकर आई हूँ, समोसा रोल। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, देखिए नाम में ही कितनी डिफरेंट है। तो आइए फटाफट इसकी रेसिपी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका आटा गूंद लेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, 2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच नमक और इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही हमारा तेल और नमक अच्छे से मिल जाएगा, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसको हम बहुत ही अच्छे से बेलेंगे और आटे को ज्यादा टाइट नहीं गूंदना है। आप देख सकते हैं मैंने पानी इसमें ज्यादा मिला लिया था, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैदा और मिला रही हूँ। आटा हमारा अच्छे से गुन चुका है, आप देख सकते हैं ये कितना ही सॉफ्ट है, पर इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना रखिए, ये थोड़ा लचीला है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चिरौंजी और इसको आटे के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे। चिरौंजी आटे के साथ मिल गई है, अब हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम इसके अंदर की स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ले रहे हैं लगभग 2 से 3 उबले हुए आलू, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक घिसा हुआ, थोड़ा हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे आप, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और आलू को भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। जब तक मैं इसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आलू हमारे मैश हो चुके हैं और मसाला इसमें अच्छे से मिल गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 इसको भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं हमारे आलू काफी स्टिकी है। बिल्कुल इसी तरह हम सभी की शेप तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम ले रहे हैं 2 चम्मच मैदा। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और मैदे और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
लीजिए, स्लरी भी हमारी तैयार हो चुकी है, 10 मिनट से ऊपर हो चुका है। आइए फिर बेलना शुरू करते हैं। पहले हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे। अब हम इसको मैदे में डिप करेंगे। और फिर हम इसको बेलेंगे। अब हम इसको चारों साइड से काट लेंगे और इसकी दो शीट्स प्रिपेयर कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी शीट तैयार हो चुकी है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग प्रिपेयर करी थी उसको हम इस पे रखेंगे और इसको हम रोल कर देंगे। इसको एंड से स्टिक करने के लिए हम स्लरी का यूज करेंगे। ये हमारा एक रोल तैयार हो गया है और बिल्कुल इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सारे रोल तैयार है। अब हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे एक एक कर। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। हमारे गर्मा गर्म समोसा रोल तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मजा ले सकें।